वैगनी वे तीन बार छाया छंज वे और तीन बार काल सक्रिय माते फिरे घूमे और झपट पड़गी जनो पते गुडो किने नी बाल झटके उठावे सक्रिया काल बड़ो विकराल बेरी ने दया नहीं आवे अरे गुडो किने नी बाल झटके उठावे सक्रिया ए भाई तेरे सिर पर भवरियो काल अभिमानी जीवड़ा कहीं हुतो हुता हुता क्या करण हुता आवे नींद अरे यम सिरों ने आए खड़ा जो तोरण आया बीत ए जागरण आन हुता है नी ऐ सुबह घर जाए इनके थोड़ा आको मत कर मेरी रात जागरण में होता हम आन भूत जागरण में करियो कहीं हैं हां तो महात्मा लोग लिखे भाई सत्संग जरा कहवे तू गांव में शिविर में सुकृत कर ले मुंजी रमेश जी मुंजी किने कहवे मन मर्जी ने अब कोई काम बड़ा हो जीसा तने कहो तो मुंडी है मुंजी है करी नहीं करी कहवा कि नहीं कहो मुझे नहीं मन मर्जी मन मर्जी हाँ तेरा धरा रहे सब माल खजाना पूंजी अरे क्यों करता है अनरीत तुझे क्या ये थारे बंदे रख दिया थारा बिल्डिंग हाथ ले लिया जगो तू ले जाए क्योंकि क्या चांदी क्या सोना क्या जरावर्त क्या मोती अरे साथ में क्या ले जाएगा बंदे कफन में कोई जेब नहीं होती तो क्योंकि वैराग्य जड़ तक आदमी हुकुम जैसा संतोष नहीं वे आदमी ने संतुष्टि नहीं वे जड़ तक भली अरपति नहीं विश्वपति बन जाती नहीं कोई दृष्टांग है महाराज रे कोई मन कहीं आदत पड़ी हुई माफी चाहूं याद है तो कहीं भी नहीं रही देखो आज आज निभा ली जो क्या है और मन में नहीं रागरी मन में रागरी पति पछता हो रहा है तो कह रहे रमेश जी कोई पीपल नदी से महाराज बैठा हुकुम जी साहब आज भी रोटी का वो हुकुड़ी तीन दिन बोलो भाई बिने नींद ने चबा चबा खावे राजा जी कनु निकलिया देख रे मारे रावड़े में ए महाराज हुकुड़ा टुकड़ा खावे रावड़े में जान कामदारों ने कह जाओ संतरियों ने कह जाओ फलाने पीपल नदी से महाराज बैठा हुआ भोजन वास्ते बुलाओ संतरी जान के महाराज मारे राजा जी आपने महल में बुलाओ भोजन वास्ते राजा जी ने महाराज संतरियों ने महाराज कह रहे मैंने छह महीना होया आठ बैठे ने राजा थारू रोज निकले आज एने राजा ने कहीं आयो मारे ऊपर जो मैंने भोजन वास्ते बुलावे संतरी का तो मैं को पूछ जा पूछना हो संतरी जान के बाप जी महाराज पूछे एड़ो मारे ऊपर कहीं आए जो भोजन वास्ते बुलाओ राजा के जा कह दे बाद में रोटी खाओ तो देख दया आई संतरी पास आया दान के महाराज महाराज मारा राजा ने तो हुकड़ा टुकड़ा खाओ तो देख दया महाराज के जा था राजा ने पूछ दया रो बाप कौन है दया तारक मेहताली नहीं हो दया कौन के दया तू अपने मन में आनी चाहिए दया गरीब जीव रे ऊपर दीन दुखी रे ऊपर जा राजा ने पूछ दया रो बाप कौन है संतरी जान के बाप जी महाराज के दया रो बाप राजा के जा के दे धर्म क्यों धर्म माते पेवनाले नी दया आई है धर्म माते पेवनाले दया नहीं आई संतरी जान के राजा जी महाराज राजा जी कहे धर्म तो धर्म महाराज ने राजा ने पूछ धर्म री मां कौन है संतरी पाता क्या बाप जी महाराज पूछ धर्म री मां के भक्ति जो भक्ति माते पई जो धर्म माते पई देखने दया आए संतरी पाता के महाराज राजा जी कहे भक्ति महाराज के जा था राजा ने पूछ भक्ति रो बाप कौन है संतरी पाता दान राजा जी ने कहे महाराज राजा जी न तो महाराज अवे न थे आलो ए चपलिया मारा पीछे ही फाड़ दे फिर कह क्यों याद पत गिरे मेड़ तो थे आल जो भक्ति रो बाप नो नाम लियो राजा रखवांदा और खिड़कियों खुली के महाराज खाली टुकड़ा खावे जड़ा महाराज में कुछ गुण है महाराज राजा जी खुद आया और जान के महाराज भक्ति रो बाप है संतोष उन समय महाराज के राजन मनीन बाज रोटी में संतुष्टि है तो थारा है सतीश भोजन मारे कोई काम रहा कोनी क्योंकि गो धन बाद धन और रतन धन खान हर जे आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान आदमी ने संतुष्टि होनी जरूरी है धन कवे तेरा धरा रे सब माल खजाना पूजी ये हंस काए ने छोड़ ठोड़ करेला दूजी ए भाई तेरे दिनों घोड़ियों पलट रेला पता तू काई करेला तेरा अंजल उठ गया तेरी ही बस्ती से ए ग्रेनाइट रो बाटो लागड़ो न मुंडो देख आहा मारे मेहनत रो पया रहा अन हां 3 बजे निकल गयो वेनी तो हुकुम दीसा के आज 2 घंटा पड़े हालो पण 5 बजे हूं घर आवे तो दिन सो पतो पण दाग सुस का दिन बजे हूं पहला पहला कर देओ रात है रुकाली को क्यों क्योंकि कबीर दादी झगड़ा कबीर दादी को झगड़ो है तो जीव तो तकरो जे जीव तो जड़े काको है दादो है बाबो है ये पति किनो झगड़ो वने तू माया जाल में रहता हर दो फर्जी कई लक्ष्मण दास दुनिया मतलब री कर दी मतलब होई नहीं जन के अरे जीसा आओ थे
काका थे आओ क्योंकि कलयुग में रह नौ मोम में रोम जीरो नंबर नौ माया रोए रोम जीरो नौ में कम है न माया में घना है कभी लिख गया करे पैसों बिना मार के पूत कपूत मेरो पैसों बिना भाई कहे मेरा दुख दाई है पैसों बिना काका कहे कौन का भतीजा दुख पैसों बिना सासू कहे कठेरो जमाई है पैसों बिना मित्र ने आंख कुछ पाई है कहे कभी राज छोड़ दे पराई आज कलयुग में एक पैसे की बढ़ाई काको पय वालों नी है ना हुकुम जी साहब भतीजो पय वालों तो पहला भतीजन रामा शर्मा करी काको बलि बगे ना मधु गोरे आगी कतरी बात है हां अच्छी और लगे तू माया जाल में रहता हरदम फर्दी कई लक्ष्मण दास दुनिया मतलब री बनी मतलब रमेश जी बूढ़िया कह करे मतलब री मन मार नित चिमावे चूरमा बिना मतलब मन मार राब न पावे राजिया हीरो लागे हवाद खारो लागे कांडरो अर मन मणियोरी मन मार पद राब बली रे राजिया आज मैं बहुत बड़ी मने अर्जुन दास जी अर्जुन सिंह जी एक बहुत बड़ी बात की मने बहुत अच्छी लगी कि मैं एक दादे पोतरा 150 200 डीला और एक मोल है अब बहुत बड़ी बात क्योंकि जब रावण रावण ने राम जी हरायो मारियो उन टाइम रावण ने राम जी को कहा कि हे राम तुम एक बार सोचना कि रावण की हार क्यों हुई और राम की विजय क्यों हुई कि क्यों रावण ने कहा राम हर जगह मैं बड़ा हूँ आपसे हर जगह बड़ा हूँ उम्र में रावण की उम्र कितनी थी 1,87,43,220 वर्ष चार चौकड़ी में रावण ने राज किया चार चौकड़ी में रावण नौ अलग अलग तो पहली चौकड़ी में भानु प्रताप दूसरी में दशकंदर तीसरी में दशानंद और चौथी में रावण और जाति में ब्राह्मण शब्द विद्या प्रवीण और देवता पटे इंद्र पानी भरे पवन झाड़ू काटे अग्निदेव रसोई पकावे सांस सूरज मेलर जो तो बे माता घोड़ों दोनों दड़े नव करे पागेर बांध जुड़ा हैं और जीतो थारे लुगाई और धन को पहने उता मारा मेल है और थारे जीतो अयोध्या में राम नगरी में लोग नहीं है वो तो मारो एक लड़ो राशन कार्ड है हवा ला फिर भी मेरी हार हो गई क्यों हुई तुलसीदास जी चौपाई मिल गए कहीं लगे कहे दशकंदर सुनो रघुराई तेरे जैसा मैं रे नहीं भाई कहे दशकंदर सुनो रघुराई तेरे जैसा मेरे नहीं भाई ए राम आज तेरा भाई तेरे साथ है और मेरा भाई भी तेरे साथ अगर मेरा भाई मेरे साथ होता और तेरा भाई भी मेरे साथ होता तो हुकुम जी सा रावण ने राम जी नहीं मार सकता और रावण नहीं मरतो तो अपन तो आधार गाड़ी नहीं बनतो आपकी बात तो क्योंकि तुलसीदास जी के रावण कह रहे हो रावण कह रहे हो तुलसीदास जी के रावण एक बड़ले दे रहे हो एक पेड़ दस नाल है डालम डाला 20 और साख में संग पत्र भी कौन फूल 40 कौन फूल 40 दस कोई लो टोका करे जिने कोटा है 320 अरे तुलसी मुख से यूं कहू नो पागो बनियो को ईश बड़ले जड़ा है तो दस डाल दस माता माता ही रमी जी अपना जड़ा कौन है भी करने रमून हो जा और डालम डाला पीस पीस आता सौ साखों भी हाथोरी हो अंगली हो पौन फूल चालीस चालीस का बीस ही होते और बीस ही कौन है दस कोई लोग टाउ का करे दस मुंडा उराउन बोल तो जिन्हें कौनटा 320 एक मुंडे में बत्ती दौते बत्ती दाया तुलसीदास जी कह रहा आदमी को पागो बड़े गो बड़े बड़े बड़ा के गिरी को तो महात्मा लोग भजन में बतावे तू माया जाल में रहता हर में फर्दी कई लक्ष्मण दास दुनिया मतलब री गर्दी पद कते दास भगवान राम री मर्जी भया तोला पुराना कबल के शिवे दर्जी छोड़ो फाटड़ो तो कारी लगा दे कुदड़ियो तो हेवो लगा दी पण लीरो लीरो दर्जी कई भाई घरे लेदा हैं इस संत सभा में बसो गृहस्थी से आए को काल ले जावेला जबरदस्ती तो मैं आपने छोटी सी धेंदाजी री वार्ता सुनाऊं आप सुनिएगा बड़े प्रेम सु देनदा जी तीन होया हुकुम जी सा एक नहीं होया देनदा तीन होया एक देनदा जी सुतार जाति मया एक देनदा जी ब्राह्मण जाति मया और एक देनदा जी कुमार जाति और सुतार जाति में होया जकरे ने सासु जहर दियो कीकु नाम लड़को उन्हें और कुमार जाति ने मैंने कोई लड़के ने भाई सत्संग में दाव तोड़ खत्म कर दियो बा और मैं आपने होना उन जारियों को है 52 साल रो ब्राह्मण धेंदा जी जकरे औलाद भगवान 52 साल रो जोत जागी आंधा आंखों और उमर आंखों में उमर घरे एक लड़को हो और 6 साल लड़को पाचो खत्म हो गयो और उन लड़के ने ले धेंदा जी के या तो देनो नहीं हो
और दियो तो लेनो नहीं हो और उन वजह हुए भगवान गिरे आवे और कहीं बात बढ़े तो इन कथा ने होने उठाने कोई फायदा थोने कोई फायदा माने कहते महाराज सारो तो समय निकल गई लेकिन नहीं थोने कोई फायदा है चार धाम करो 68 तीर्थ करो एक कथा हो 100 कन्या और कन्यादान करो एक कथा हो 1100 गौ और गौदान करो एक कथा हो 11000 ब्राह्मणों ने जीवन एक कथा हो हुकुम जी सा लाल और खर्चो देख लो नहीं देख लो हैं बोलो गंगा मैया की जय हो आवे आवे अरे दिन जरा भागे देखो ये कथा कोई बड़ी नहीं है लेकिन आधा घंटा की कथा है लेकिन बीच में ना जाए हेतन जी साहब जी साहब अरे दिन जरा भागे ये धनी ने दावो जय हो दोस्तों रुपए शेरवान सिंह जी भूला सर की ओर से सत्संग वेद पता ही जो अरे दिन जरा भागी ए धनी ने दावो अरे ज्ञान बाण पर काश होयो दिन जरा भाग धनी ने दावो अरे ज्ञान बाण पर काश होयो अरे जीव जुगत मुगत कर राखो जीव जुगत मुगत कर राखो अरे अमरापुर में वास होयो अमरापुर में वास होयो हे विश्वास रे भरोसो बारे भरोसो बाली अल कयुनायत पूरेला पतरा कीरे पेड़ात भगतरी वैद दाता तारेला ए परमेश्वर मने पुत्र दियो मेरे हुई दद मिले मिलिया ए परमेश्वर पुत्र दियो अरे लागा पाप पूरबले भवरा ए लागा पाप पूरबले भवरा पुत्र पीराने स्वर्ग वास होयो ए विश्वास परो तो भारी अल कयुनायत पूरे ना पतरा कीरे पेणाद भगत रे हर वैद दाता तारेला राम जी ए बोला गंगा मैया की जय हो केवे दिन जरा भाग धणी ने ध्यावो ज्ञान बाण प्रकाश होयो जीव जुगत मुगत कर राख्यो अमरापुर में वास सुनिएगा बात को मेरे हुई दद मेले मिलिया परमेश्वर माने पुत्र दियो दियो लागा पाप एक जन्म रा नहीं सात जन्म रा नहीं सौ जन्म रा लागे भगम जी सा महात्मा लोग लिखे केवे सिद्ध बदारो अच्छा कार्ड भर दियो आप चिंता क्यों करो अच्छा 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 अच्छा
दिन जेड़ा बाग धणी ने दियावो ज्ञान बाण प्रकाश होयो होयो जीव जुगत मुक्त करा क्यों अमरापुर में पास होयो पास होयो मैं उही दिन मेरे मिलिया परमेश्वर मारे पुत्र दियो यो। लागा पाप सजनो 100 जन्म री लागे आप सुनियो वाला धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र कोनो कोरमोर बाप उने निंदणो जन्म याद आ रमेश जी निंदणो जन्म याद आ याद आ एक जन्म याद नहीं 100 जन्म पहला एक वो राजा हो एक हंस हंसनी आया बिन कने आपरा 100 बच्चा ले और राजा ने कहे राजा मैं तो जाऊं समुद्र में चुगो करने ए मारा 100 बच्चा थार कने राख दे राजा के कोई बात नहीं अब 100 बच्चा राख लिया एक दिन राजा ने भोजन हकरो को लागो राजा ने भोजन स्वाद नहीं लागो राजा ने रसोई ने कहे भोजन दूसरा बनाया जाए संतरी वो कोई हंसरो बच्चियो तो को आदो पाट भरो आदि माटी रो बनान उन राजा ने दियो राजा ने बड़ो स्वाद लागियो राजा हुकुम दियो ऐसा भोजन रोज होना चाहिए कहवे ऐसा भोजन रोज होना चाहिए अब राजा धनी रूप पर कोई धनी नहीं हुकुम दी दियो अब राजा ने आदो सुबह आदो सामरा आदो सुबह आदो सामरा हो बच्चे हो दिन ही दियो हजिया अब एक समय दूधो भोजन आयो राजा मन में विचार करियो रोज वाला भोजन कहां गया संतरी के इत ही होता ना थे जिम का या कहीं गंसरा बच्चा राजा जी की जुलम होगा अडी नो हंस हंस नहीं आया के राजा मेरे पुत्र अब राजा नीचे धोन गालड़ पेड़ तोलिया सारो भरो दिल भोपो जो अरे राजा 100 में पता मर गया तो पता 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 में पिंचोण मर गया तो पहुंच पता लास्ट टाइम के निंदोण मर गया तो एक रो मुंडो तो पता उन टाइम राजा धृतराष्ट्र वो रामदीन राजा के मैं खागो जन के जा राजन तेरा भी एक ऐसा जन्म होगे तेरे भी 100 पुत्र होगा लेकिन तू देख नहीं पाएगा उसकी दुर्गति इसी तरह होगी वही 100 जन्म बाद में धृतराष्ट्र हो और कौरव मारा गया तो 100 जन्म री लागे तो देनदास का लड़को हो 52 साल री अवस्था में देनदास जी आंख में आंधा हां और लड़को कोई 6 महीने रो कहे लेकिन 6 साल रो रमेश जी अभी माना 6 साल लड़ो लड़को खत्म हो गयो और वो लड़के ले कहीं घर बैठे हैं कहीं बात बनन कहीं देव सभा ऐसा है ये मेरे पांव अभी हुए 7 साल हुए डेड कम 80 लाख रुपए लग चुके हैं 7 महीना मैं कोमा में रह चुका हूँ 2.5 साल में 2.5 साल के बाद मैं बोल पाया और भगवान की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से 4 साल बाद मैंने भजन गाना शुरू किया वापस और ये गाड़ी आपके जागीरदारों की कृपा के सही चल रही है तो हर जगह से सहयोग मिला मेरे को और भी मिल भी रहा है क्योंकि एक महीने की 30,000 रुपए की दवाई आती है मेरे हर महीने प्रति महीना पर डे 1,000 रुपए की और ये सब ब्रह्मा जी की दाता की कृपा से आप लोगों के से सहयोग से आती है कोई कितना कोई अपनी जितनी इच्छा हो उतना उतना सहयोग करते हैं और आशा है इसी गांव से भी जरूर क्योंकि मेरा हाथ ऐसे है ना आपका हाथ बोलो केतेश्वर भगवान की जय हो तो लिखे अब लड़को खत्म हो गयो अब रमेश जी देनदास जी ने दिख तो कोनी देनदास जी घराली ने दिख तो लड़को खत्म हो गयो तो हिंदू धर्म रो कायदो एक लाश ऊंची नीची में तो जमीन माथे पड़ाया करे वा धनियों ने जमीन माथे पड़ा और माथे कपड़ो डाल और पतिदेव ने कहे पतिदेव अपनी एक दीपक वन होई
बुझ गयो और देनदार जी नान कहन लागी अरे पतनी आए अरे पास में बैठी अरे पतनी आए ए पास में बैठी अरे पृथ्वी पर पोडाय दियो पतनी आए पास में बैठे अरे पृथ्वी पर पोडाय दियो अरे देने ध्यान तुने माई देने ध्यान दरियो तुने माई गोविंद ऊपर गुसर कियो अरे गोविंद ऊपर गुसर कियो है विश्वास भरोसो भाई कभी लगे राम राज में रोटियों कृष्ण राज में घी कड़ू काल में चाय रो पानी फूंक दे दे पी चूल्हे चाड़ी देसी नीचे लगा दियो ताप हाय हाय टावर बैठा पीछे बैठो बाप बाप तो पी ताड़ा पर पर ताबर ने घर को छाटो छाटो गाली गालियों का डक अगले पुरो ऑटो घाल दे कने चाय रो छाटो छाटो बकरी मार दी गाय ने मारे भूको शक्कर होगी मांगी जनो रमे जी गुड़ नौकरी ढूको ढूका सुरसुती थने देख जियो या तो बनाओ कोनी जागण में जरूर पिया बिस्कुट बिस्कुट पिया हाथ को भामी दो को पपे पिलाओ जागण जमेला मम्मी बेटो उधर मास्टर हूं बेटी उधर माऊ बाऊ जी मुनी ब्याऊ उधर जागण उधर ताऊ ताऊ दायरा तो चार पदन हीरे रा हाथ हाथ जे जी मऊ चूरमो तो गावे हारी रात चाय चाय माता छत्रपति पिए तने गणपति हमें पिए लगपति फिरता करता पिए हड़कपति शकरवत मूलपति गुलाली बेटी चूक मदी तही पिलो और अभी भी पिलो दो मिनट पे क्यों पीछे डिस्टर्ब पसंद नहीं है और कतार पीछे नहीं जानो एक निवेदन और